समनाबाद मोड़ के मुकाम पर अंडरपास की तामीर का मंसूबा एलडीए ने समनाबाद अंडरपास का 3D डिज़ाइन तैयार कर लिया। अंडरपास की मंजूरी का केस प्रोविंशियल वर्किंग पार्टी को 8 साल कर दिया गया। इसी पर मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं ज़ैन उल आबिदीन से। जी ज़ैन, पंजाब हुकूमत की जानिब से शहर लाहौर में तरक्याती कामों की रफ्तार को तेज कर दिया गया है और मुल्तान रोड पर समनाबाद के मुकाम पर अंडरपास की तमीर का मनसूबा बनाया गया है। इसी तनाजुर में एलडीए ने समनाबाद मोड़ अंडरपास का जो 3D डिजाइन है वो तैयार कर लिया है। इस 3D डिजाइन के मुताबिक समनाबाद अंडरपास का जो बैरल है वो ओरी ट्रेन के एलिवेटेड ट्रैक के बिल्कुल नीचे से गुजरेगा और इस ट्रेन के समनाबाद स्टेशन के कुछ मीटर दूर ही अंडरपास तमीर किया जाएगा। अंडरपास भी 2 लेन और बैरल से मुलहिका सड़कें भी 2-2 लेन पर मुश्तमिल होंगी। जो डिजाइन बनाया गया उसके मुताबिक समनाबाद से गुलशन आली की जानिब बनने वाले अंडरपास की ऊंचाई 5.1 मीटर होगी, जबकि अंडरपास के दोनों अतराफ में 180 मीटर के रैंप और 50 मीटर का जो बैरल है वो तमीर किया जाएगा। ये समनाबाद अंडरपास की तमीर के लिए एलडीए की जानिब से जो केस है वो प्रोविंशियल वर्किंग पार्टी को भेज दिया गया है और आइंदा होने वाले इजलास में इस मंसूबे की मंजूरी ली जाएगी। इस मंसूबे के लिए 1 अरब 40 करोड़ रुपए का तखमीना लगाया गया है, जिसका पीसी वक्त तैयार कर लिया गया है। डेवलपमेंट सिक्योरिटी कमेटी की तरफ से इसकी मंजूरी दे दी गई है। पंजाब हुकूमत की मंजूरी के बाद इसके जो टेंडर है उसका इजरा किया जाएगा। शुक्रिया ज़ैन, आपने इस बारे में तफसील अपडेट किया।